नमस्कार दर्शकों, द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं इस वक्त की अहम और खास खबरें। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो रहा है। आपको बता दें, राजधानी पटना के दीक्षा घाट पर रामविलास पासवान पंचतत्व में विलीन किए जाने हैं। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरी व्यवस्था की गई थी और पटना निवास कृष्णापुरी से दीपा घाट तक उनका शव यात्रा के लिए की गई थी। इस दौरान केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ बिहार के तमाम बड़े नेता वहां रहे। इसको लेकर पहले ही ऐलान कर दिया गया था, परिवार के सब लोग मौजूद रहे। तो रामविलास पासवान का निधन गुरुवार की शाम दिल्ली के एक अस्पताल में हो गया था और शुक्रवार की शाम उनके पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आज अंतिम संस्कार, पंचतत्व विलीन हो चुके हैं। एक अच्छी शख्सियत और देश के लिए जुड़े हुए व्यक्ति का राजद नेता तेजस्वी यादव ने, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान चिराग पासवान, उनकी माँ रीना पासवान, चाचा पशुपति पारस और परिवार के सभी लोग उपस्थित रहे। और आपको बता दें, इसको लेकर ये भी कहा गया कि कई लोगों के घर खाना नहीं बना है जो उन्हें अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ मानते थे और आज उनका अंतिम संस्कार भी पटना में कर दिया गया है, जहां पे सारे लोग मौजूद थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार बिहार की राजधानी पटना के दीघा घाट पर।